सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एक्चुअली आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये है कार लिंक किट का वायरलेस एडेप्टर फॉर एप्पल कार प्ले। सो मतलब अगर आपके गाड़ी में जो एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करता है तो आपको मतलब अगर वायरलेस है तो अलग ही बात है, अगर मतलब वायर्ड एप्पल कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो है तो उस टाइम पे आप ये जो डिवाइस है ये आप खरीद सकते हो। मैंने अमेजोन से लिया था, उस टाइम पे इसका प्राइस लगभग 9,200-9,300 के आसपास आया था। एक्चुअली मई महीने में कुछ डिस्काउंट मतलब कुछ ऑफर चल रहा था, उस टाइम पे मैंने लिया था। 9,200 के आसपास मैंने ये डिवाइस लिया था कार लिंक किट का। इधर देखो है, एक्चुअली मैंने अभी क्योंकि मैं मेरे आईफोन से वीडियो कर रहा हूँ तो अगर आपका डिवाइस पे मतलब मुझको पता नहीं सब फ़ोन पे होता है क्या नहीं, बट हाँ मेरे फ़ोन पे अगर एप्पल कारप्ले ऑन रहता है तो वीडियो नहीं ऑन होता है। तो इसके लिए जो है मैंने कारप्ले अभी ऑफ कर दिया फ़ोन से, तो उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो इसके लिए इधर जो है देखो एक रेड साइन दिख रहा है डे टाइम पे, देखो रेड साइन, अगर मतलब ये कनेक्टेड रहेगा तो ये ग्रीन साइन होगा। मेरे पास और एक फ़ोन है एंड्रॉयड, तो अगर होगा तो मैं उससे वीडियो करके दिखा दूंगा जी कैसे क्या कनेक्ट होता है। एकदम इजी प्रोसेस है, मतलब आप जो एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले का जो मतलब यूएसबी पोर्ट है वहाँ पर ये कनेक्ट कर दो, तो इधर एक टाटा मतलब क्योंकि मेरा गाड़ी टाटा है तो इधर एक टाटा करके E745 ऐसे कुछ नंबर आया था। सो उसको आप आपका फ़ोन से पेयर करके कनेक्ट कर लेना ब्लूटूथ से, तो उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा। और ये ऑटो कनेक्ट फीचर के साथ आता है, मतलब अगर आपका गाड़ी आप बंद करके चले जाते हो तो बाद में अगर मतलब जब भी गाड़ी स्टार्ट करोगे तो जैसे ब्लूटूथ ऑटो कनेक्ट होता है तो ये भी ऑटो कनेक्ट हो जाएगा एप्पल कारप्ले के साथ। हालांकि एक्चुअली मेरा जो फैसिनेशन है मतलब गाड़ी चलते चलते इधर जो मैप पे दिखता है ना रास्ता, वो एक्चुअली मुझको अच्छा लगता है, तो इसके लिए ही मैंने ये चीज़ ख़रीदा हूँ। और एक सेकेंड चीज़ है, मतलब अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करके जो आप म्यूज़िक सुनोगे और एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो के साथ जो आप म्यूज़िक सुनोगे उसका म्यूज़िक क्वालिटी पे फ़र्क होता है। मतलब मेरे बात पे अगर यकीन ना हो तो आप कनेक्ट करके देख लेना, एक मतलब सेम म्यूज़िक अगर ब्लूटूथ पे सुनोगे तो उसका जो साउंड क्वालिटी और बेस ट्रिबल जो आएगा, और आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट करके सुनोगे तो डिफरेंस आएगा। मतलब मेरे गाड़ी पे तो ऐसे ही होता है, तो इसके लिए भी मैंने ये ख़रीदा हूँ। मतलब मेरा दो रीज़न है, एक है जो म्यूज़िक क्वालिटी के लिए और सेकेंड चीज़ जो इधर एक मैप पे दिखता है। और एक बात है, मतलब यहाँ से आप वॉइस असिस्टेंट करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हो किसी को, या किसी को कुछ मैसेज भेज सकते हो, या और मतलब मैप पे भी आप वॉइस असिस्टेंट के मतलब हेल्प से इजीली कने मतलब इजीली कुछ चीज़ सर्च कर सकते हो। तो यही सब चीज़ के लिए मैंने ये चीज़ ख़रीदा हूँ। हाँ मतलब अगर आपको ज़रूरत है तो ही ये चीज़ ख़रीदना, नहीं तो उतना ज़रूरत नहीं है मतलब 9,000 रुपया खर्च करने का। बट हाँ अगर मतलब ये एक ज़रूरत का सामान है, मतलब अगर आपके गाड़ी में जो वायरलेस एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट नहीं करता है तो इसके लिए। बट हाँ एक चीज़ मैं मतलब इधर लिखा है जो एप्पल कारप्ले ही सपोर्ट करता है, मैंने एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करके नहीं देखा हूँ अभी तक, मैं बाद में देखूंगा अगर होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। बट हाँ अमेजोन पे भी ये लिखा था ये सिर्फ एप्पल कारप्ले के लिए ही सपोर्ट करता है, तो यही बात है। मेरे पास आईफोन है तो मैंने यही चीज़ ही ख़रीदा हूँ। और एक मोटोरोला का आई थिंक आता है, उसका भी 10,000 के प्लस ही प्राइस है। और मैंने अभी है ऑलमोस्ट 1 जून, तो इस टाइम पे मैंने ये अमेजोन पे दिखा था नियरली 14,000-15,000 के आसपास आता है। मैं इसका लिंक जो है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर आपको चाहिए है तो आप देख सकते हो। सो दिस इज़ द थिंग, अभी तक के ये ठीक है। बट हाँ अगर जब ये गर्म होता है तो थोड़ा सा ये मतलब हीट अप हो जाता है, बट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक ही काम बाकी है मेरे को, इधर डबल साइड टेप देके इधर एकदम फिक्स्ड कर देना है मुझको ये चीज़, क्योंकि नहीं तो इधर फ़ोन वगैरह कुछ रखने के लिए दिक्कत आएगा। सो
अभी तक के लिए ठीक है, कनेक्टिविटी मतलब कनेक्टिविटी कोई इशू अभी तक नहीं आया। हालांकि ये चीज़ लगाने के बाद गाड़ी मैंने उतना चलाया नहीं, मतलब एक दो बार ही शायद मैं निकला था गाड़ी लेके, तो उस टाइम पे कोई भी अभी तक दिक्कत नहीं आया। बट हाँ, बाद में अगर कोई दिक्कत आएगा तो मैं ज़रूर डालूंगा। बट हाँ, ये चीज़ ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, ये एक्चुअली चाइना प्रोडक्ट है आई थिंक। तो दिस इज़ द थिंग फॉर दैट वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, स्पेसिफिकली एप्पल कारप्ले। ये देखो, इधर देखो एप्पल कारप्ले का मतलब साइन दिखा रहा है, डिवाइस कनेक्टेड ऑटो एप्पल कारप्ले। आई डोंट नो जे ये कनेक्ट हो जाए। देखो आ गया, ये देखो ये है जो इंटरफेस, ये दिखाएगा। यहाँ से डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो। एक बार इधर आप क्लिक करके कनेक्ट कर दोगे तो उसके बाद जब भी आप गाड़ी बंद करके गाड़ी ऑन करोगे तो मतलब ऑटो कनेक्ट हो जाएगा, लाइक ब्लूटूथ जैसे कनेक्ट होता है, तो ऐसे ही। सो दिस इज़ द थिंग, अगर आपको ज़रूरत है तो ही मतलब मैं सजेस्ट करूँगा लेने के लिए, और नहीं तो इतना खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट 9 to 10,000 रुपीज़, इट्स अ लॉट एक्चुअली। सो दिस इज़ द थिंग, या थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ। एंड अगर इस मतलब इस डिवाइस के रिगार्डिंग कुछ भी अगर सवाल हो, मतलब अगर इस डिवाइस के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो या थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर साइनिंग ऑफ।